हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। टू डिराइव वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो थर्ड इक्वेशन होती है बाय ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, डायग्राम तो वही होगा जो तीनों इक्वेशन में होता है, देखिए बना रखा है। ठीक है, अब देखिए, वी हैव सीन दैट द डिस्टेंस ट्रेवल एस बाय अ बॉडी इन टाइम t is given by the area of figure OABC, which is a trapezium. ठीक है, आपने जब सेकंड इक्वेशन डिराइव कर थी s equal to ut plus half at square graphical method से, तो आपने क्या देखा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल था बॉडी का, ठीक है, वो कैसे निकला था, एरिया ऑफ फिगर OABC से निकला था ना, मैंने बोला था नी। ठीक है, जब आप लोगों ने सैटरडे को क्लास पढ़ी थी, तो जब आपने s equal to ut plus half at square निकाला था, तो आप लोगों ने क्या देखा था, आप लोगों ने क्या देखा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है बॉडी का s, क्या s, ठीक है, वो कैसे निकला था, एरिया ऑफ OABC, और OABC क्या है, एक ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा, तो यहां पर भी वैसा ही होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, ये ट्रेपीजियम है, तो यहां पर भी डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC से। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल को s बोलते हैं, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। ये मैंने पहले बताया था आपको, डिस्टेंस टाइम का बता रहा था मैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर देखो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, एक तो है OA और इसके पैरेलल क्या है CB, क्या है, एक तो होगी OA और एक होगी CB, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये देखो ये पैरेलल और ये पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, OA प्लस CB। ठीक है, और हाइट क्या है, OC, हाइट क्या है, OC। ठीक है, इनटू हाइट होगी OC और अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि OA प्लस CB, OA की वैल्यू क्या है, ये U। ठीक है, और CB की वैल्यू क्या है, ये CB की वैल्यू V। तो OA प्लस CB कितना हो गया, U प्लस V, और OC कितना है, OC, सॉरी OC में लिखना भूल गया। ठीक है, OC क्या है, टाइम है T, तो OC क्या है T, OC क्या है T, तो OC क्या हो जाएगा T। तो OA प्लस CB कितना हो गया, U प्लस V, और टाइम हो गया O इंटू OC T अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, तो OA प्लस CB, O जानते हो ना, OA कितना है U, तो हमने U लिख दिया। ठीक है, CB कितना है V, हमने V लिख दिया। OC कितना है T, तो हमने T लिख दिया अपॉन में 2। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन 7। अभी तक जो इक्वेशन बनती हुई आई थी, पहली बनी थी हमारी, ठीक है, दूसरी बनी थी, तीसरी बनी थी, चौथी बनी थी, पांचवी बनी थी, छठी बनी थी, अब ये सातवीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 7 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से t की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, हमने t को एलिमिनेट करना है, क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है, t को खत्म करना है। ठीक है, इस इक्वेशन 7 से। ठीक है, और वो कैसे होगा, वो होगा हम t की वैल्यू निकालेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने इस इक्वेशन से t की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, समझ, t को एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन 7 से। और वो कैसे होगा, जब हम वैल्यू निकालेंगे t की, और वो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v is equal to u plus at होती है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, at इधर आ गया तो v इधर चले गया, तो v minus u। ठीक है, at इधर आ गया, ठीक है, और v उधर चला गया, ठीक है, तो v minus u हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, देखो at इधर आ गया, ठीक है, और v इधर चला गया, तो क्या करा, ये u क्या था, u यहां प्लस का था, उधर जाके माइनस का कर दिया, तो v यहां था प्लस का, यहां जाके माइनस का था, तो मैंने इधर कर दिया, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो at is equal to v minus u, v minus u। ठीक है, अब t यहीं रहने दिया, तो ये a क्या हो गया, नीचे चले गया, तो ये डिवाइड में चले गया। ठीक है, तो v minus u upon a, v minus u upon a हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v minus u upon a। ठीक है, अब ये वैल्यू जो t की आई है, इसको इक्वेशन 7 में रखेंगे, इसको इक्वेशन 7 में रखेंगे, मतलब जहां पर t होगा, तो वहां पर t ना लिख के हम v minus u upon a लिखेंगे। ठीक है, तो हम कर दीजिए s, इसमें रख दीजिए s,
तो ऐसी रहेगा, u प्लस वी भी ऐसी रहेगा, ठीक है, इंटू टी, टी की जगह पर क्या करेंगे v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए, और नीचे क्या है 2, तो 2 इंटू ए कितना हो जाता है 2a, कितना हो जाता है 2a हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 2as हो गया, क्या हो गया 2as, ठीक है। और आप देखिए क्या होगा, देखो क्या होगा, ये देखो v, देखो एक मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, होता ना a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर भी तो वही है, देखो देखो क्या है, ये क्या हो, देखो ध्यान से, v प्लस यू ए प्लस बी, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ठीक है, और इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, देखो एक यहां पर रफली बताता हूं, देखो ध्यान से, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, तो यहां पर भी यही है, v को आप क्या मान लो a मान लो और u को b मान लो, तो यही तो है, देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यही तो है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर भी यही होगा, u प्लस बी है और v माइनस यू है, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूले से करा है, ठीक है, यहां पर लिखा भी है मैंने, देखो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, यह मैथ्स का फॉर्मूला, मैथ्स की आइडेंटिटी सर ने आपको बताई होगी, गणेश सर ने, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी दिया था तो हमने उसको क्या लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, फिर वी स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, यू स्क्वायर इधर चले गया और टू ए एस उधर चले गया, तो क्या बन गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन निकल गई, डिराइव हो गई, कैसे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, तो ये आपकी तीनों इक्वेशन मैंने बता दी ग्राफिकल मेथड से कैसे होती है, ठीक है, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आज का सेशन आप लोगों का था, ठीक है बच्चों, थर्ड इक्वेशन आज मैंने बताई डिराइव करना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, और वीडियो रिवाइंड करके समझ नहीं आता तो फिर आप कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, तो दोबारा हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और वीडियो आप लोग देखते हो नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा काम है बेटा करना, बताना हम पढ़ाएंगे, ठीक है, हम नहीं देखते तो आपकी मर्जी है, आपका लॉस है उसमें, ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, और कल हम इसका लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो करेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा जो आपका पहला चैप्टर है मोशन, ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखिए, घरों पे रहिए, ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, आप घर के अंदर तो कोरोना करके बाहर, ठीक है, तो थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।